खाना खाया? हेलो जी, मैं गया। खाना खाया? क्या खाया? कहीं नहीं गया, बोलिए। कढ़ी चावल? अच्छा अच्छा, नहीं अभी तो मैं ब्यूरो में हूँ। हाँ आएंगे, दो घंटे बाद आएंगे। तुम इतने आएंगे, 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 बन गए सर, लग रहा है अभी आएंगे। खून? अच्छा अच्छा, यहीं पर रहना अभी जी, खून हो गया कहीं। कहाँ सर? चलो अब बाबू, सोना बंद करो, काटो फोन। आपने फोन किया था? हाँ। तो ये खून आपने किया है? नहीं। फिर किसने? एक आदमी आया था, उसने मेरे भाई को मारा, चला गया। इतनी बड़ी बंदूक लिए था। कितने आदमी थे? एक था। अकेला? हाँ। दया जी सर, गाड़ी निकालो। अभिजीत गाड़ी निकालो। कद्दू निकाले हमारा सर ने, तुमसे बोला जाके निकालो जाके गाड़ी। अबे ऐसी बेरोजगारी में इसी तरह लड़ते रहोगे, कोई दूसरा केस ले लेगा, हम तुम तेल लगा के रह जाओगे। सॉरी सर, बावली गाड़ो, चलो। ये गाड़ी, अपनी गाड़ी कहाँ है? वो सर रात में चोरी हो गई सर। मतलब सीआईडी गाड़ी चोरी हो रही है? जी सर। चलो ये केस हम बाद में देख लेंगे, पहले हम वो केस देखेंगे जहाँ से हमको चार पैसा मिलना है, हमारी दाल रोटी चलनी है। क्यों दया? बैठो सर, बैठो। अभिजीत जी सर, ये क्या इशारे कर रहे हो? सर बैठने के लिए, बैठो आगे, बैठो आगे। सर गाड़ी बदल दीजिए, इससे कैसे तुम्हें सॉल्व होगा? तुम ठीक कहते हो दया जी। जी सर, गाड़ी चेंज, चलो इस गाड़ी छोड़ो, दूसरी गाड़ी लेंगे। आओ अभिजीत, दया अभिजीत, दया अरे हम पीछे नहीं बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे, बैठो। अबे कहाँ गिरा दिया सर, कितना आ गया था आगे? चलो दया, आज ये केस हम तुम्हें फाइनली करके मारे। अरे दया, दया तुम्हारी साले बिटिया निकी, साले केस लड़ने का चक्कर था, तुम लौंडिया बाजी के चक्कर में मर रहे हो। अरे साले रुको, अभिजीत
अबे हम भी ऐसी आईडी। अबे आगे क्या अभिजीत सर? अपना केस 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 केस। हाँ केस देखने के बाद देख लेंगे तुमको बहन की लड़ी। हाँ चलो अभिजीत। दया जी सर बहुत हो गया इस केस में भागते भागते। अगर हम इसी तरह से मरवाते रहेंगे तो केस कोई हमें दोबारा नहीं देगा। पता है हम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है? कोई हमें केस नहीं देगा, हमारे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे। जी सर चलो इस केस को जल्दी से सॉल्व करना है। अभिजीत आओ। यस सर जल्दी आओ। दया जी सर। दया जी सर। किसका हो सकता है ये अभिजीत? आखिर ये यहाँ पर आया कैसे? ये तो बस मेरा है। जी सर ये जब मुजरिम कत्ल करके भागा होगा इस रास्ते से तो उसका पर्स गिर गया होगा, जाहिर सी बात है। उसी के पर्स है मुजरिम का। क्यों अभिजीत? ये पर्स हमारा है सर। तुम्हारा है? जी सर। दया पकड़ लो साले को, कातिल यही है। सर ये बात उस समय की है। एक सेकंड, तुम्हारा है तो ये यहाँ पे आया कैसे? सर ये बात उस समय की है। किस समय की? जब मैं लौंडियाबाजी के चक्कर में एक लड़की गलत लड़की के चक्कर में फंस गया था और वो मेरा पैसा सारा खा गई। सर मैं इसी गली से भागा था तभी मेरा बटुआ गिर गया था और बटुए में केवल 5 का सिक्का ही था जो कि रिक्शा का किराया था। मैं पैदल ही घर गया, जब से आज तक मैं बिना बटुए के ही टहल रहा हूँ। अभिजीत नहीं रोते नहीं रोते नहीं, इस बार जब ये केस फाइनल करेंगे ना तुमको 50% देंगे। अब उसने दया को 1 रुपया नहीं देंगे। चलो अरे दया 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 देंगे यार तुमको, देंगे देंगे। चलो चलो सर देंगे अपना दया को पैसा भी देना। नहीं हाँ पूरा सब लोग बांट के लेंगे यार, पहले केस तो सॉल्व हो। आ जाओ आओ, दरवाजा तो तुम ही तोड़ोगे ना। अबे एक आदमी को इधर जाते हुए देखा? देखा कहाँ गया? इधर तो गया। चलो ठीक आगे बढ़ो। अब जी इस केस में हमें बहुत ही ज्यादा लेट हो रही है। ए भाई साहब रुकिए, तुमने यहाँ से परसों की सुबह किसी आदमी को इतना बड़ा बंदूक लेकर भागते हुए देखा है? वो तो साला यही खेल रहा है। अच्छा ओ चलिए ठीक है। अब बेटा तुम स्कूल डेली जाया करो, ठीक है? ठीक। चलो निकलो निकलो। चलो अभिजीत। अभिजीत जी सर इस केस में हमको बहुत लेट हो रही है दया। जी सर हम साइकिल से गिरे, हमारी हड्डी पसली टूट गई, लौंडियाबाजी के चक्कर में हम मुजरा करते घूमते रहे। अभिजीत जी सर इस बार जहाँ कहीं भी वो मिले सीधा कान में गोली मारना। पक्का सर? अरे पक्का, उड़ा देंगे साले को। चलो आओ आओ। परी मैयो। अभिजीत सर ये तो वही है। जी सर मार चादर मौत का। सर चादर मौत नहीं मादर चोर। अरे जो भी है दया मार। अजीत छूट छूट अजीत। भाग भासड़ी के, देखता हूँ कहाँ तक भागेगा। अगर रुका ना तो तेरी गांड में वो गोली मारूंगा, आने वाली 7 पुश्त के दर्द होगा। सर मैं तो कहता हूँ गोली मार दो, कहीं भाग न जाए। तुम ठीक कहते हो दया। अभिजीत जी सर पेल दो। अभिजीत चल चल साले, साला भाग रहा था। अब क्यों बे खून क्यों किया? अरे हमने नहीं किया। फिर किसने किया? मालूम नहीं। सीधे बताएगा फिर दांत हाथ का तुझे दूं थप्पड़? नहीं मालूम। हाँ तो बेटा अब सच सच बता दो,
सर ये बात उस समय की है। बाबू कोई आ जाए। अरे कोई नहीं, अगर मुझे बहुत प्यार करते हैं सर। ये बात उस समय की है जब मैं ड्यूटी से घर आया। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरी बीबी किसी दूसरे मर्द की बाहों में क्या कर रही थी। ये देख के मैं भी मर्द हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इसको पकड़ने कोशिश की, मारने की, पर वो भाग गया, निकल गया। और मैं अपने बीबी को भी बहुत मारा और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। वाह, मतलब आक्रोश में आकर तुमने उसका मर्डर कर दिया। तुम ये भी जानते थे कि तुम्हारे लिए कानून कोर्ट कचहरी के दरवाजे हमेशा खुले थे, और सीआईडी की भी तुम मदद ले सकते थे, लेकिन तुमने नहीं लिया। तुमने डायरेक्ट उसका मर्डर कर दिया। अब जाओ, पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे।